पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड ई पैन पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं किस तरीके से पैन कार्ड को डाउनलोड किया जाता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आप कोई भी ब्राउजर यहाँ पे ओपन करें, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है डाउनलोड ई पैन कार्ड। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी ब्राउजर में टाइप कर देंगे डाउनलोड ई पैन कार्ड, तो यहाँ पे आपको दो कंपनियों का यहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगा। एक है NSDL का, एक है दूसरे कंपनी का। अगर आप दूसरे कंपनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर आप NSDL से है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम NSDL से हैं तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या सब डिटेल फिल करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इस पेज का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड का नंबर है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो मेरे पास पैन कार्ड का नंबर है तो हम यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर इंटर करेंगे। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट का नंबर है तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए मेरा पैन कार्ड का नंबर है, यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथ में अंत तिथि क्या है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद ईयर आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे ईयर इंटर कर दिए। उसके बाद ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आपको इंटर कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चे को यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ आपका डिटेल आ जाएगा, जैसे पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल आईडी कौन सा लिंक है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, पिन कोड क्या है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, जीप कोड क्या है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं किस माध्यम से करना चाहते हैं, अगर आपके पैन कार्ड में ईमेल आईडी रजिस्टर है तो आप यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पैन कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। तो मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों रजिस्टर है तो हम जो है ईमेल आईडी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर है तो हम ईमेल आईडी पे ही क्लिक कर देंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। नहीं जानते हैं किस तरीके से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लिंक किया जाता है पैन कार्ड में तो आपका उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे जो है एक ओटीपी जाएगा जो कि 10 मिनट ही वैलिड रहे इस ओटीपी का। उसके बाद यहाँ पे आप ओटीपी इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विथ पेड ई पेन डाउनलोड फैसिलिटी पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक दो सेकेंड वेट करना है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कुछ पैसे यहाँ पर NSDL कंपनी को पेड करने होते हैं तभी आप जो है यहाँ पर पैन कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। तो 8 रुपये 26 पैसे आपको पे करने पड़ेंगे NSDL कंपनी को, तब आप यहाँ पर पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पे करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री द टर्म एंड सर्विस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है, पे कन्फर्म पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे जो भी माध्यम से आप पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे UPI के थ्रू पे करना चाहते हैं 8 रुपये 26 पैसे, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे Paytm का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पे करने के लिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे UPI पिन यहाँ पे इंटर करके हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। पे मेरा पेमेंट जो है प्रोसेस में है तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा 8 रुपये 26 पैसे। तो यहाँ से हमको जो है कुछ सेकंड वेट करना है जो कि ये जो है Paytm से NSDL के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक पेज जो है अपना पैन कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेज जो है पूरी तरीके से लोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस हो चुका है। उसके बाद पेमेंट अमाउंट इतना 8 रुपये 26 पैसा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड ई पैन कार्ड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डाउनलोड ई पैन कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे आप रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करके।
तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप देख सकते हैं आपका जो भी पेमेंट किए हैं यहाँ पे सारा कुछ आपका डिटेल रहेगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि डाउनलोड ई पेन पे क्लिक करके, इसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड ई पेन पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। अगर क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए दिस फाइल इज प्रोटेक्ट पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जा रहा है, जो आपका जन्मतिथि है वही आपका पासवर्ड हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जन्मतिथि इंटर कर चुके हैं और जो भी आपका जन्मतिथि है वही आपको इंटर करना है। जैसे कि आपका जन्मतिथि है 15 जनवरी 2001, तो यहाँ पे आप 15 देंगे, उसके बाद जनवरी का महीना का 01 देंगे, उसके बाद 2001 देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। आपका पैन कार्ड यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो जाएगा इसी तरीके से, जैसे कि मेरा यहाँ पे पैन कार्ड डाउनलोड हो गया है। तो आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे चाहे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि किस तरीके से डाउनलोड पैन कार्ड को किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा।